नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कमाल के वीडियो में। तो वीडियो का टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। मैंने बहुत बार इंटरव्यू में लोगों से पूछा है कि भाई एक्सेस कंट्रोल समझाइए क्या होता है, तो लोग मुझे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम समझाने लगते हैं। तो भैया कैसा है कि एक्सेस कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपका जो सिक्योरिटी है, क्या है सिक्योरिटी, इसका दो भाग है। पहला भाग है आपका फिजिकल सिक्योरिटी और दूसरा भाग है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में आपका सिक्योरिटी गार्ड आता है, आपका गेट, आपका बाउंड्री वॉल, आपके प्रीमाइसेस का फेंसिंग, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल सिक्योरिटी में आती है। और एक्सेस कंट्रोल आपका फिजिकल सिक्योरिटी का भाग है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में क्या आता है, तो सीसीटीवी, फ्लैप बैरियर और आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये सारे जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर से ऑपरेट की जाने वाली सिक्योरिटी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपका किस में आ जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में आ जाएंगे। अब कोई पूछे आपसे कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो आपको बताना है। इंग्लिश में बोलना है तो आप बोल सकते हो, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम विच हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर प्रीमाइसेस फ्रॉम इंट्रूडर, अनवांटेड पीपल एंड ट्रेसपासर। अब हिंदी मतलब समझ लो, तो हिंदी मतलब है इसका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे प्रीमाइसेस को, हमारी प्रॉपर्टी को घुसपैठियों, अवांछनीय लोगों और ट्रेसपासर से सुरक्षित करता है। अब ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है इसका कोई टाइप है, तो हाँ भाई इसके तीन टाइप है। पहला जो टाइप है उसका है वो है कार्ड बेस्ड, दूसरा टाइप है बायोमेट्रिक बेस, तीसरा है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, देखो गधा और घोड़ा दो जानवर, इसकी एक एक खूबी, जैसे गधा बहुत मेहनती होता है तो मेहनत मतलब भले ही लगता है तो ताकत, तो गधे की ताकत और घोड़े की फुर्ती को निकाल कर एक जानवर बना दिया जिसका नाम है खच्चर। तो वैसे ही इसका एक क्वालिटी है कार, इसका एक क्वालिटी है बायोमेट्रिक, इन दोनों की एक एक क्वालिटी को निकाल के मिक्स करके बना दिया है आपका हाइब्रिड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। आपको अगर कार्ड बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम देखना है तो कहां देखने के लिए मिलेगा, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बड़ी आसानी से, मुझे तो लग रहा है जो वीडियो देख रहे हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई लोग बहने, उनके कमर में या फिर उनके गले में ये लटक रहा होगा। तो वो जो आप एक्सेस कार्ड बोलते हो वो आपका कार्ड बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। दूसरा आपका बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक आपको आसानी से देखने के लिए मिलेगा कहां पे, जो हाईटेक सोसाइटीज है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिम में देखने के लिए मिलेगा, हॉस्पिटल में, स्कूल में और आपका कॉलेज में। ये कार्ड वाला जरा महंगा है और आपका जो बायोमेट्रिक थोड़ा सस्ता है, तो आपके जो छोटे इंस्टीट्यूशन है वहां पर आपको बड़ी आसानी से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कैसा होता है कार्ड, अब जितने इंप्लॉय है सबको इश्यू करो, तो ये थोड़ा महंगा सिस्टम है और ये थोड़ा कम महंगा सिस्टम है, इसलिए छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं वो अपने प्रीमाइसेस में बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। तीसरा है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड कहां होता है, तो हाइब्रिड आपका जहां भी प्रीशियस आइटम है, एकदम महंगा आइटम है, ठीक है ना, कोई महंगा चीज है जिसको प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे आपका हाइब्रिड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस हाइब्रिड में क्या होगा, मान लीजिए आरबीआई है, तो आरबीआई पैसा बना के कहीं ना कहीं तो रखती होगी, बराबर है, तो उस पैसे वाले कमरे में का सब लोग जाते होंगे, नहीं, तो वहां पर कोई एक जिनका डायरेक्टर होगा वही जाता होगा, तो उस डायरेक्टर के पास क्या होगा, एक कार्ड होगा और प्लस उसकी आंख के रेटिना को उस मशीन में डेटा के तौर पर फीड कर दिया होगा। तो अब उस कमरे का गेट अगर दरवाजा खोलना है तो कोई चाबी से नहीं खोलेगा, इसी कार्ड और इसकी आंख की रेटिना, जब पहले कार्ड स्वाइप करेगा फिर आंख की रेटिना मैच करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये दरवाजा खुलने वाला है। उसके अलावा बैंक अगर आपको देखना है तो बैंक जहां पे लॉकर्स वगैरह होते हैं आपको आसानी देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रीसेस जहां पे भी कुछ रहेगा,
आपको ये सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा, क्योंकि ये इन दोनों से भी महंगा सिस्टम है, ठीक है ना। तो जैसा बजट वैसा फिर आपको सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा। सबसे सस्ता वाला यही है, फिर उससे महंगा ये और उससे महंगा ये। इस सिस्टम का काम अलग अलग जगह पर देखेंगे तो एक ही है, प्रीमाइसेस को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसके अलावा दो काम और भी है इसका। क्या काम है? इस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू आप स्टाफ का अटेंडेंस मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने स्टाफ की मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे आपके यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है, अब किसी ने स्वाइप किया, मतलब ये एम्प्लॉय दिन में इतनी बार ब्रेक लेता है, इतनी बार बाहर और अंदर गया, लास्ट कब गया, पहली बार कब आया दिन में, ये सारा डेटा आप उसमें ट्रैक कर सकते हो सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना। अब इस सिस्टम के कुछ पार्ट है, कंपोनेंट बोलते हैं जिसको, क्या क्या पार्ट है तो पहले देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी कार्ड या RFID, अभी आपके गले में जो लटक रहा है ना, जिसको आप बोलते हैं एक्सेस कार्ड, उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमिटी कार्ड या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या नाम है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आप इसको शॉर्ट में बोलते हो RFID। दूसरा है EM लॉक। EM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक, जो दरवाजे के ऊपर लगा होता है ना, वो एक्सेस कार्ड रीडर, जिसपे आप वो कार्ड को रखते हो, प्रॉक्सिमिटी कार्ड को आप रखते हो। कंट्रोलर, इनका बाप, कंट्रोलर मतलब माने कमांडर चीफ, ये इन सब का बाप, और ये इनका कंप्यूटर डेटाबेस, ये सारे इसके कंपोनेंट है। प्रॉक्सिमिटी कार्ड क्या होता है? तो प्रॉक्सिमिटी एक्सेस कार्ड ये क्या होता है, इस पे जैसे आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, उस पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई है, वैसे इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें डेटा को फीड किया जाता है। जैसे क्या डेटा फीड किया जाएगा, तो मान लीजिए कोई बंकू भैया है, बंकू भैया IT के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बराबर है, और आपका कोई प्रमाश है जिसका नाम है भूतनाथ एंड कंपनी, ठीक है ना। आप भूतनाथ एंड कंपनी में बंकू भैया एज ए क्या IT एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुए, तो अब इन सारी जगहों पर जाने के लिए उनको एक कार्ड इश्यू किया जाएगा। उस कार्ड में डेटा भरा जाएगा, क्या क्या, इनका नाम, इनका डिपार्टमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट इनको कौन कौन सी डोर का एक्सेस देना है। इसे IT वाला है तो सर्वर रूम में जाना पड़ेगा, UPS रूम में, बैटरी रूम में, फिर जहां पे IT मटेरियल रखा हुआ है उस रूम में, ठीक है। इस सारे रूम का जो एक्सेस है, ठीक है ना, वो किसको मिलेगा प्रॉक्सिमिटी कार्ड में? हमारे बंकू भैया को। तो बंकू भैया क्या करेंगे, अब जाएंगे स्वाइप करेंगे, एंटर कर पाएंगे। लेकिन सारे एम्प्लॉय को ऐसा नहीं होता है, सारे एम्प्लॉय की जहां जो वर्किंग स्टेशन है, जहां उनका काम धाम, बल्कि उसको ही, उस एरिया का ही, उस डोर का ही उनको एक्सेस दिया जाता है, सबका दिया नहीं जाता है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए कैसा होता है। जब कार्ड को पंच किए तो क्या हुआ, उस कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप से आपके एक्सेस कार्ड रीडर ने डेटा को पढ़ लिया। अब ये डेटा को मैच करने के लिए क्या करेगा, कंट्रोलर के पास भेज देगा। तो कहेगा कंट्रोलर, भैया हमारे मुंह में हमको जरा कार्ड जरा ढुकाया है, देखिए जरा डेटा मैच कर रहा है कि नहीं। तो बोलेगा रुक हम देखते हैं। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, एक कंप्यूटर डेटा बेस होता है, वहां से पूरे डेटा को मैच करेगा। डेटा मैच कर रहा है, जैसे ही मिल जाएगा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लॉक है खुल जाएगा, और जैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक खुल जाएगा आप अंदर जाओ, ठीक है ना। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है, जो मैंने आपको जितने बोलने में टाइम लगाया है उससे कहीं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सब चीजें होती है, मतलब मैंने जितना बोलने में टाइम, उतने टाइम में नहीं होता, ये बहुत ऐसे बस चुटकी बजाय, और ये काम उससे भी कम समय में डेटा सब कुछ मैच होकर डोर अपना ओपन हो जाता है। कभी कभी डोर ओपन नहीं हो रहा है, तो डोर ओपन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, पहला हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट, दूसरा हो सकता है कार्ड का जो स्ट्रिप है वो खराब हो गया है, तीसरा कार्ड को उस डोर का एक्सेस नहीं दिया गया है, या फिर हो सकता है उसका जो कार्ड एक्सपायर हो गया है। तो इन वजहों से कभी कभी आपका प्रॉक्सिमिटी कार्ड वगैरह काम नहीं करता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो सिक्योरिटी डेस्क पे जाइए, उनका अपना प्रॉब्लम बताइए, फिर आपके प्रॉब्लम पे वो आपको सलूशन देंगे। सिंपल, इस तरह से आपका कोई भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, ठीक है, कुछ छूटा नहीं होगा। कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब वहीं पर दूंगा, या फिर जरूरत पड़ी तो फिर एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।